सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी का स्वागत है संगीत ढोल योग यूट्यूब चैनल में। आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि योगासन या प्राणायाम करते हुए बैठना कैसे, पहले बताया सुखासन, अब दूसरा आसन बताता हूँ पद्मासन। पद्मासन भी एक ध्यान की व्यवस्था है, तो उसमें क्या होता है पैर ये ऐसे करके ये ऐसे रखने होते हैं, लेकिन क्या होता है इस अवस्था में योगी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते कि उनका ये दर्द करने लगता है। तो इनके लिए क्या करना है, सबसे पहला उपाय क्या करना है, तो आराम से ये कर लेना है अपना, इनको ऐसे उठाना है शुरू शुरू में, ये करना है ऊपर उठाना है, ये ऐसे कर लेना है बिल्कुल ऊपर पे, दोनों का वार्म अप करना है, फिर दूसरे पैर का कर लेना है ये ऐसे, देखिए ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये कर लेना है, एक पैर सीधा करना है, इसको नीचे दबाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे दबाना है, ऊपर लेके आना है ऐसे ही, फिर दूसरा इसको ऊपर लेके आना है, नीचे दबाना है ये, फिर इसकी ये पीछे हाथ करके, इसको बोलते हैं दंडासन। जब भी कोई योगा या प्राणायाम करेंगे उसका करने के बाद ना एक सेट करने के बाद 10 सेकंड का रेस्ट होता है, 10 सेकंड में इस दंडासन अवस्था में ऐसे बैठ सकते हो या हाथ पीछे करके बैठ सकते हो, थोड़ा ये वो करना करो, ठीक है, आगे पीछे साइड में बाहर की तरफ, और ये तो ये दो तीन एक्सरसाइज करने के बाद ना फिर आप पद्मासन लगाओगे, फिर आपको दर्द नहीं करेगा, ये देखिए नॉर्मल, ठीक है। ये पीछे उठा लिया, ये जो अवस्था होती है ये ध्यान की अवस्था होती है, इसको बोलते हैं पद्मासन, ध्यान अवस्था होती है, ठीक है। एक होता है इसके बाद अर्ध पद्मासन, जिसे अर्ध बोलते हैं, उसमें क्या होता है एक पैर ऊपर होता है, ये देखिए बहुत से बड़े बुजुर्ग आपको देखे होंगे तकरीबन ऐसे बैठे रहते हैं, खासकर दुकानदार लोग देखिए, ये होता है पद्मासन, तो इसमें एक पैर ऊपर रहता है, तो ये दोनों ही अवस्था, तो पद्मासन पहले आप अर्ध पद्मासन की अभ्यास कीजिए, उसके बाद पूर्ण पद्मासन कीजिए। और दोस्तों समझ में आया है, नहीं समझ में आया कमेंट किया करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो, नमस्कार।